चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं, गुड नाइट का है। मैं ये वीडियो रात को 12:30 बजे बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़रूरी है आपको सुबह उठते से मिल जाना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ कंपनी, दैट इज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, व्हाट इज़ लॉ है ना, एंड लॉ की क्या नीड थी, क्यों कानून बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि हमारा जो पूरा जो सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, वो पूरा रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ कंपनीज है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना टाइम वेस्ट के बिना, ठीक है। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की। तो जो पहली हेडिंग है मेरे बच्चों वो है अदर फॉर्म्स फेल्ड। बाकी जितने फॉर्म्स थे बिजनेस के वो कहीं ना कहीं किसी वजह से फेल हो गए, कुछ कमियां थी उनमें, तो उनकी कमियों को उभारने के लिए हमें नए फॉर्म को जन्म देना पड़ा। और वो फॉर्म कौन सा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। सबसे पहला फॉर्म कौन सा है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जो एक सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जा रहा बिजनेस, जो लैक ऑफ कैपिटल की वजह से और अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से और उसकी लैक ऑफ कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी की वजह से उतना बड़ा नहीं हो पाता वो बिजनेस। उसकी क्रेडिट वैल्यू नहीं होती, उसके पास उतना पैसा नहीं होता, स्किल्स नहीं होती, मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती, तो बहुत सारी कमियां होती थी इसमें। तो उस बिज़नेस के फेल होने पर एक नया बिज़नेस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, या ऐसा सकते हैं एक नया बिज़नेस इंट्रोड्यूस हुआ अपने आप, दैट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। कि एक हिंदू फैमिली अपने मेम्बर्स के साथ मिलकर अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करके रन करती है। इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस क्या थे, क्योंकि हमें फेलिंग पड़नी है इनकी, कि कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, लिमिटेड मेंबरशिप होती थी तो कैपिटल में भी कमी आएगी। इस ज़रूरी नहीं है कि हर फैमिली मेंबर के पास में वो पूरी स्किल हो, वो पूरा काम करने की क्षमता हो, है ना। इनका बिज़नेस नॉर्मली लोकल लेवल पे किया जाता है। उसके बाद जब ये फेल हुआ तो हम लोगों ने किसके तरफ आया, हम पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस डेफिनेटली हम लोग देखेंगे कि टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें भी इश्यूज थे, लिमिटेड मेंबरशिप थी पुराने लॉ के हिसाब से 10-20, अभी तो 50 हो गई है, है ना। कैपिटल लिमिटेड होता था, डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते थे, प्रॉफिट और लॉस को लेके बहुत झगड़े होते थे, है ना, पार्टनर्स के बीच में। तो ये बिज़नेस भी कहीं ना कहीं फेल हुआ है एक हद तक। ऐसा नहीं कि ये बिज़नेस अभी नहीं चलते हैं, चलते हैं, बट हम कंपनी फॉर्म बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। फिर कॉपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है, जिसका मोटिव वेलफेयर था, जो इन तीनों की वजह से इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस थे तो हमें इसको इस्टेब्लिश करना पड़ा, है ना। ये सोसाइटी से, वेलफेयर से रिलेटेड बिजनेस था, ठीक है। एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो चलाया जाता है, जिसमें लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं वेलफेयर के लिए, जिसका मोटिव सोशल वेलफेयर था। तो कमियां आई, अब आप देख रहे हैं कॉमन कमियां दिख रही है, सर कैपिटल की कमी है, मैनेजरियल स्किल की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए अब हमें नीड होगी ना अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस की, तो वो नीड क्या थी वो हम लोग देखने वाले मेरे बच्चों। देखिए, दो नाम लिखा हूं मैंने अपन नीड पे। पहला है कैपिटल और कैपिटल एसेट्स। डेफिनेटली कैपिटल मतलब पैसा और कैपिटल एसेट्स मतलब वो चीज़ें, वो एसेट्स, वो सामान जो हम पैसों से खरीदेंगे या पैसों से बनाएंगे, जो हमको बिजनेस में काम आएगी। अब पैसा किस फॉर्म में आएगा, तो पहला मैंने लिखा हूँ कैश, दूसरा लिखा हूँ क्रेडिट, जो हम पैसा बाहर से लेते हैं लोगों से, जिसको हम डेट कैपिटल भी कहते हैं, उधारी, और तीसरा फाइनेंस, जो हमारे बिहाफ में कोई और पे करता है, फिर हम उसको बाद में पे करते हैं। फाइनेंस में और कैश में फ़र्क होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस मतलब कि कोई और हमारे बिहाफ में किसी सामान को पे करने के लिए पैसे पे कर चुका है, हमें उसे बाद में पे करना है। अपने गाड़ियां जब खरीदते हैं घर में तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। कैपिटल एसेट्स जो आपके बिजनेस को हेल्प करेंगी ग्रो करने में, ठीक है। तो इस कैसे ग्रो करेंगे मेरे बच्चों, मशीन्स, लैंड, टेक्नोलॉजी, स्किलफुल लेबर, ये ज़रूरी है ना। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं क्या, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये नीड कहाँ पड़ी, कैसे पड़ी, ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में। तो आप अपनी कॉपी निकालिए और अपनी कॉपी में लिखना चालू करिए कि 1760 में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था इंग्लैंड में, जहाँ पर बिजनेसमैन को लगा अगर हमारे को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, है ना, इंडस्ट्रियल क्रांति आई थी, रिवॉल्यूशन, कि अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मुझे अगर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, मुझे अगर अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाना है, जो बिजनेस नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे और पैसा लगेगा, मुझे और बेंचेस लगेंगी, और डेस्क लगेंगी, तो उसके लिए भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना। वैसे उनको रियलाइज़ हुआ 1760 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कि हमें ये फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं चलेंगे, हमें और पैसे की ज़रूरत है। तो आप लिख लेंगे मैं जो आपको बता रहा हूँ,
तो दे रियलाइज कि अगर हमें और मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और प्रोडक्शन करना है, तो वी नीड कैपिटल एंड वी नीड कैपिटल एसेट्स. ये चीज़ें हमें लगेंगी ज़्यादा, मशीन, लैंड, टेक्नोलॉजी, स्किलफुल लेबरर्स, ये सब चीज़ें लगेंगी हमें अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है. डेफिनेटली समझा मैंने क्या बोला आपको. तो उनको लगा कि कैसे करें, कैसे करें भैया, हम कैसे पैसे इकट्ठा करें. तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि उन्हें लोगों को बुलाया जाए, जनरल पब्लिक को, और बोला जाए कि आप हमारे यहाँ पैसे लगाओ, हमको पैसा दो बिजनेस करने के लिए, आप हमारे यहाँ पैसा लगाओ कि तो हम बदले में आपको उसके बदले रिटर्न देंगे, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं. तभी लोग पैसा लगाएंगे, लालच ही तो होती है ना. तो एक नए फॉर्म ऑफ बिजनेस का जन्म होने लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी फॉर्म. तो पहले कंपनी का मतलब तो समझते हैं, तभी तो आपको समझेगा उसका नाम कंपनी क्यों रखा गया. ठीक है, समझा मैंने क्या बोला. सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इधर. देखो भैया, सबसे पहले देखो कंपनी का मतलब क्या है. आप समझो, कंपनी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो दो वर्ड से मिला के बना है, कॉम और पनिस. कॉम का मतलब होता है मेरे बच्चों एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और पनिस का मतलब होता है मेरे बच्चों हु कम टुगेदर टू ईट देयर मील्स टुगेदर. ठीक है, यानी वो लोग जो एक जगह पर मिले, बैठे, जुड़े, और एक जगह पर बैठ के जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं. आपने देखा होगा ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होता था ना, कि लोग एक ही जगह पर झाड़ के नीचे आए और खाना खाते थे. तो आप बोलेंगे सर इसका इससे क्या लेना देना. भैया आपको याद होगा जब बहुत सारे लोग एक जगह पर बैठकर खाना खाते हैं, तो जिसके पास खाना नहीं भी होता उसको भी खाना मिल जाता है, बहुत सारा खाना हो जाता है. और जब बहुत सारा खाना होता है तो किसी को खाने की कमी नहीं होती, सब एक दूसरे का खाना एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रीली. बस वैसे यहाँ पर भी होने वाला है, बहुत सारे लोग पैसा लगाएंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कम टुगेदर टू कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड एक्सपेक्ट सम रिटर्न्स. बराबर है ना, जब हम पैसा लगाएंगे एक जगह पर तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे ना. और किस फॉर्म में लगाने वाले पैसा हम लोग, शेयर्स के फॉर्म में या अदर फॉर्म्स में, जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको. तो ये एक्चुअली इसका नाम कंपनी क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी मीनिंग ये है. ठीक है, समझ में आया क्या बोलने की कोशिश किया मैंने आपको. चलो ग्रेट. अब इसका लीगल फॉर्म कब मिला, इसको लीगल कंप्लायंसेस कब मिले. देखिए 1760 में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो आप किसी बिजनेस स्ट्रक्चर को अगर एस्टैब्लिश करते हो तो डेफिनेटली उसको आपको लीगल कंप्लायंस देना पड़ेगा ना, एक लीगल स्ट्रक्चर देना पड़ेगा. तो जो पहला कंपनीज एक्ट आया बच्चों, जो पहला कंपनीज एक्ट आया वो 1844 में आया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया. ठीक है, आप बोलोगे सर क्या फर्क है इसमें, आप क्यों बता रहे हो इसको. देखो उसके पीछे रीजन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया मतलब जब पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है तो हम इसे स्टैट्यूट कहते हैं. मतलब एक ऐसा लॉ या ऐसा कानून जो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए पास किया गया और वो इंस्टीट्यूशन उसको फॉलो करेगा, है ना, सहमति से पास किया गया है, बहुत सारे लोगों की सहमति से, डिस्कशन करके, बातचीत करके. बोलोगे अब क्या फ़र्क है सर, क्योंकि क्या होता था पहले ना, ब्रिटेन में या यूके में जो कानून पास होते थे ना वो इनके अप्रूवल पे चलते थे, किंग और क्राउन. ठीक है, चार्टर्ड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते थे. आप बोलोगे सर क्या फ़र्क है. अरे भैया जो कंपनियाँ इनके कहने पर स्टैब्लिश होती थी या इनके रूल के हिसाब से, इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो कंपनियों को कभी गलत माना ही नहीं जाता था. क्योंकि जहां पर किंग रूल होता था वहां पर एक रूल माना जाता था, किंग कैन डू नो रॉन्ग. तो अगर आप कोई चीज पार्लियामेंट के थ्रू या लेजिस्लेचर के थ्रू बनाएंगे तो डेफिनेटली आप उसकी लाइबिलिटी फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, तो नाउ कंपनीज कैन इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ, इनके अप्रूवल की अब जरूरत नहीं है. क्योंकि आप जितना उनको पार्लियामेंट के थ्रू, लेजिस्लेचर के थ्रू एस्टैब्लिश करेंगे, उनकी उतनी लाइबिलिटी फिक्स होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, और वो उतना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर पाएंगे. ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं फिलहाल हम इसके बेनिफिट्स की तरफ, कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस के से रिलेटेड. उससे पहले हम देख लेते हैं इंडिया में ये लॉ पहली बार कब आया. तो इंडियन पार्लियामेंट ने इसको आज़ादी के पहले भी एक बार पास किया था ना, 1860 के आसपास, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ डेट को. अब आप बोलोगे सर इंडियन पार्लियामेंट, अरे तो बाबा ब्रिटिशर्स ने रूल किया बट पार्लियामेंट तो हमारी थी ना, तो हम ऑलरेडी एक लॉ पास कर चुके थे. बट एक्चुअली आज़ादी के बाद जो हमने रूल बनाया, जो लॉ बनाया, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट बोल सकते हैं आप उसको, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट. और वो कब से इफेक्ट में आया, 1 अप्रैल से, 1st of April 1956 से. ठीक है, उसे जॉइंट स्टॉक क्यों कहा जाता है, ये भी एक रीजन बहुत अच्छा है. क्यों, क्योंकि लोग एसोसिएट हुए तो जॉइंट, कम टुगेदर टू कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल. अब जब बहुत सारे लोग पैसा लगाएंगे तो बल्क में आएगा ना, तो बल्क में जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक. और कंपनी मतलब मिल के लगाया, लगाया कि नहीं लगाया, तो बहुत सारे लोग मिले, जॉइंट, भर भर के पैसा लगाया, दैट इज स्टॉक, और एक जगह पर लगाया मिलके, तो दैट इज कंपनी, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. उसके जो नाम रखा गया उसके पीछे भी रीजन है. तो कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ बच्चों मैं आपको, इस कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के जो दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस से है, अलग है.
देखिए मैंने कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं जो आपको बहुत जानना जरूरी है। पहला बेनिफिट क्या है अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस के मुकाबले कि सर इसकी मेंबरशिप ज़्यादा होती है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस की, तो कैपिटल भी ज़्यादा आता है। और कैपिटल कितने फॉर्म में आता है मैंने अभी आपको बताया, कैश, क्रेडिट, फाइनेंस। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इस बिजनेस का, तो बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता, लोग अगर मर भी जाए, मेंबर छोड़ भी दे अगर बिजनेस को, तो बिजनेस चलता रहेगा। अभी अंबानी जी को अगर कुछ हो भी जाएगा ना तो रिलायंस इंडस्ट्री चलती रहेगी। जेआरडी टाटा को कुछ हो भी गया था ना, रतन टाटा अगर रिटायर्ड भी हो जाएंगे टाटा से, जो वो हो चुके हैं, तो टाटा इंडस्ट्रीज चलती रहेगी क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, परमानेंट स्टेबिलिटी होती है लोगों के आने जाने से, मेंबर के आने जाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। जैसे सोल ट्रेडर में कैसा था, सोल ट्रेडर खत्म तो बिजनेस खत्म। जॉइंट एंड फैमिली में कैसा था, लड़ाई हुई तो बिजनेस अलग। पार्टनरशिप में कैसा था, लड़ाई हुई तो बिजनेस अलग। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़े बिजनेस करने होंगे तो ज़्यादा पैसा चाहिए होगा और वो इस बिजनेस से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अगर आपने पैसा लगाया इस बिजनेस में तो जितने के शेयर आपने लगाए हैं उतनी अपनी लाइबिलिटी होगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 रुपये के 10 शेयर खरीदे है ना, यानी 100 रुपये के शेयर हुए, और अगर आपने 50 रुपये पे किया है पहला अमाउंट, तो आपकी लाइबिलिटी बचे हुए 50 रुपये होंगे, उसके ऊपर आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, जितना पैसा बचा उतना ही आपको पे करना है। सोल ट्रेडर में ऐसा नहीं था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, जॉइंट हिंदू में जो घर के बड़े होते थे अनलिमिटेड। और आखिरी में क्या लिखा मैंने, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी जब ये एस्टेब्लिशमेंट होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का तो इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, इसको अपने नाम से जाना और पहचाना जाता है, ये अपने नाम से अपने कॉन्ट्रैक्ट करती है, बिजनेस करती है। बराबर है कि नहीं बराबर है? इसकी खुद की अपनी आर्टिफिशियल सिग्नेचर होती है जिसको हम कॉमन सील कहते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। इसकी ओनरशिप किसके पास होती है, जो पैसा लगाते हैं, इसको मैनेज कौन करता है, एक्सपर्ट्स। यहाँ ये सब पॉसिबल नहीं है, इनमें ये सब पॉसिबल नहीं था, ये खुद ही मैनेज करते थे, खुद ही कंट्रोल करते थे, ये खुद ही मैनेज करते थे, खुद ही कंट्रोल करते थे, ये खुद ही मैनेज करते थे, कभी कभी बाहर से ये कंट्रोल करवा सकते थे एक्सपर्ट्स के थ्रू, मुश्किल होता था। और इनका तो मोटिव भी प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, आपको समझा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो इवोल्यूशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपको काम आएगा बेटा, जो हम लोगों ने यहाँ पर रखा पढ़ा आपको बहुत काम आएगा। प्लीज़ वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760 वाला जो मैंने बोला उसको लिखें। ओके, आई होप आपको इवोल्यूशन समझा होगा कि क्यों कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इवॉल्व होने में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और उसके क्या बेनिफिट्स हैं ना। अभी तो नया कंपनीज एक्ट आ चुका है बेटा हमारे यहाँ पर, 2013 कंपनीज एक्ट, उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं, पूरा कंपनीज एक्ट ही चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। छोटे छोटे से वीडियोज़ में अगर नॉलेज बहुत सारा है, और आपको प्लीज़ जो नहीं समझे मुझे प्लीज़ मैसेज करिएगा, मुझे बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुभ रात्रि, गुड नाइट।